तो चलिए शुरू करते हैं। उसकी चोट पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, यहाँ तक वधौन ने भी नहीं, जो वधौन वाणी को अपनी गर्लफ्रेंड बोलता है। उसे उसका दर्द तक नहीं दिख रहा था, उसे अपनी पागल बहन का दर्द दिख रहा था, लेकिन वाणी के दर्द से देसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। वाणी सबसे दूर होके एक कोने में खड़ी हो गई, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसी वक्त कोई उसके पास आके बोला, आप ठीक तो है? वाणी आवाज सुन सर उठा के उस इंसान को देखा। वाणी उसे देख अपनी दर्द भरी आवाज में बोली, मैं ठीक हूँ। वाणी की आंखों में आंसू देख वो आदमी बोला, लगता नहीं कि आप ठीक हैं, आपको कुछ चाहिए? वाणी ना में सर हिला के, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ, थैंक यू मेरी फिक्र करने के लिए, आप जा सकते है। आदमी वाणी को ऊपर से नीचे देख, तुम्हारे हाथ में लगी है? उसके मुंह से अपनी चोट का जिक्र सुन वो हैरान हो गई। वाणी हुरानी से आदमी को देख बोली, हाँ आपको कैसे पता मुझे हाथ में लगी है? आदमी हल्के से स्माइल कर बोला, तुमने जिस तरह अपने राइट हैंड को पकड़ रखा है उसे साफ पता चलता है कि आपको राइट हैंड में दर्द हो रहा है। वाणी उसकी बात पर अपना सरहा में हिला के बोली, हाँ थोड़ा दर्द हो रहा है, लेकिन अब मैं ठीक हूँ, आप जाके पार्टी इंजॉय कीजिए। आदमी वाणी की बात इग्नोर कर उसका दूसरा हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाने लगा। वाणी हैरानी से उसे देखती रह गई। वो अपना हाथ छुराना चाहती थी, लेकिन दूसरे हाथ के दर्द ने उसे वो करने नहीं दिया। वाणी ने जब देखा कि वो किसके पास जा रही है तो वो सोकत हो गई। उसने अब अपना हाथ छुराने की कोशिश करने लगी, लेकिन आदमी ने नहीं छोड़ा। आदमी वाणी को समय के सामने लाके खड़ा कर दिया। समय बिना नजरे उठाए क्या बात है राहुल जी? हाँ, ये और कोई नहीं राहुल है जो वाणी को खींच के समय के सामने लाया था, क्योंकि उसने वाणी का दर्द देख लिया था। उसे पता था वाणी ऐसे तो उसकी बात नहीं सुनेगी, लेकिन समय के सामने वो कुछ नहीं बोलेगी और ना ही उसे मना करेगी। समय नजरे उठा के वाणी को नीचे से ऊपर तक देखा। तापसी कभी समय को देखती तो कभी वाणी राहुल को। समय वाणी से नजरें हटा के तापसी के बालों से खेलते हुए बोला, बैठ जाओ। समय की बात सुनकर भी वाणी वैसे ही खड़ी रही। समय कोल्ड वॉइस में, मुझे बात रिपीट करना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए लास्ट बार बोलूंगा, बैठ जाओ। समय की इतनी कोल्ड वॉइस सुन वाणी बिना कुछ बोले तुरंत बैठ गई। समय अपने पीछे खड़े आदमी को इशारा किया। आदमी समय का इशारा समझ बिना देर किए वाणी के पास जाके उसका हाथ चेक करने लगा। समय के हर आदमी को हर तरह से ट्रेनिंग मिली है, वो लोग जान लेने से लेके बचाने तक का सभी काम कर सकते हैं। वो लोग बिना डरे किसी का ऑपरेशन तक कर सकते हैं, सिर्फ है उनके पास एक चीज नहीं है, मेडिकल डिग्री, वरना वो लोग किसी डॉक्टर से कम नहीं है। आदमी वाणी के राइट हैंड की उंगली से लेके शोल्डर तक चेक करने लगा। वाणी के शोल्डर को टच करते ही वाणी की चिख निकल गई। उसने दर्द में राहुल का हाथ पकड़ लिया। राहुल वाणी के हाथ को खुद के हाथ में देख बिना किसी भाव के उसे देखते रहा। वहीं दूर खड़ा वधौन वाणी को राहुल का हाथ पके देख गुस्से में बेकाबू हो गया। वधौन गुस्से में उसके पास आके एक झटके में वाणी का हाथ पकड़ खींच लिया। आह, वधौन के ऐसे अचानक खींचने से वाणी की दर्द नाक चिख निकल गई। उसकी आंखों से आंसू और तेज निकलने लगे। वधौन ने गलती से वाणी का वही हाथ पकड़ा था जींस पर उसे चोट लगी थी। वाणी की दर्द नाक चिख सुनकर भी वधौन को देसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वाणी वधौन से हाथ चुराने की कोशिश करते हुए दर्द तड़पते हुए बोली, आह वधौन जी छोड़िए मेरा हाथ, मुझे दर्द हो रहा है, आह। वाणी की बात सुनकर वधौन ने वाणी का हाथ और कसके पकड़ लिया। जिसे वाणी दर्द से तड़प उठी, उसकी आंखों से और तेज आंसू निकलने लगे। वधौन वाणी का हाथ पकड़ गुस्से में चिल्ला के बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? इसका हाथ पकड़ नेकी बहुत शौक है, पराये मर्दों से बात करने का, उनका हाथ पकड़ने का, तुम्हारे काफी पर निकल आए है, बहुत शौक चरा है तुझे पराये मदुआ के करीब जाने का, उनका हाथ पकड़ने का क्यों मैं कम पड़ता हूँ या तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाता? अगर ऐसा है तो बोल दो, मैं सारी कसर आज पूरी कर दूंगा, वैसे भी रोज तो इतना करता ही हूँ जी से तुझे सेटिस्फाई कर सकूं।
सबके सामने वधौन के मुंह से ऐसी गंदी बातें सुन वानी की आंखें और नम हो गई। उसने वधौन से अपनी नजरें फेर ली। वानी को वधौन से अब घिन आ रही थी। वो वधौन के साथ पिछले 5 सालों से रह रही है, यहाँ तक उसने और वधौन ने शादी तक नहीं की। वधौन ने उसे शादी करने से भी मना कर दिया था, ये कह के ही उसे शादी जैसी बातों पर भरोसा नहीं है, लेकिन वो उसे बहुत प्यार करता है। वानी भी वधौन के प्यार में सब कुछ भूल गई। उसने अपने माँ बाप को छोड़ वधौन के साथ रहना चुना, ये जानते हुए भी कि उसे इस रिश्ते में बहुत कुछ सहना पड़ेगा, और उसने सहा भी था। लोग किस किस गंदी नजरों से उसे देखते थे, कुछ उसे स्लट भी बुलाते थे, फिर भी वानी ने सब कुछ इग्नोर किया सिर्फ वधौन के प्यार के लिए। उसने वधौन को अपना सब कुछ दे दिया, फिर भी वधौन ने उसे वो प्यार वो भरोसा वो साथ नहीं दिया जिसके लिए वानी हमेशा तस्ती रही। यहाँ तक वानी ने वधौन के गुस्से के साथ साहिन का गुस्सा उनके हाथ की मार तक खाई थी, फिर अभी वो चुप रही। उसने सब कुछ सहन किया, उसके बदले में उसे सफेद बेइज्जती मिली। वधौन गुस्से में उसे बहुत कुछ बोल रहा था। उसने वानी को सबके सामने क्या कुछ नहीं कहा, उसके कैरेक्टर पर से लेके उसे पता नहीं क्या कुछ नहीं कहा। वानी अपने हाथ के दर्द के साथ मेंटली टॉर्चर से भी पूरी तरह तुम चुकी थी। वधौन के इस तरह हाथ पकड़ने से उसका दर्द काफी बढ़ चुका था। वधौन उसके हाथ पर अपनी पकड़ कसते जा रहा था। वानी जितना उसे छोड़ने को बोलती वधौन उतना कसके पकड़ता। वधौन को वानी का दर्द उसका रोना तक नहीं दिख रहा था। वधौन और कुछ करता उसे पहले एक तेज पंच की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। पंच की आवाज से म्यूजिक भी बंद हो गया, पार्टी में सन्नाटा सा होगा। वधौन के इस तरह हाथ पकड़ने से उसका दर्द काफी बढ़ चुका था। वधौन उसके हाथ पर अपनी पकड़ कसते जा रहा था। वानी जितना उसे छोड़ने को बोलती वधौन उतना कसके पकड़ता। वधौन को वानी का दर्द उसका रोना तक नहीं दिख रहा था। वधौन और कुछ करता उसे पहले एक तेज पंच की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। पंच की आवाज से म्यूजिक भी बंद हो गया, पार्टी में सन्नाटा सा होगा। पंच किसी और को नहीं वधौन को ही परा था। पंच पड़ते ही वधौन की पकड़ से वानी का हाथ झटके से छूट गया, जिसे वानी के कदम पीछे की ओर लटका गए। वो गिरती उसे पहले किसी ने उसे अपनी मजबूत बाहों में भर लिया। वधौन भी कुछ कदम पीछे हो गया। वधौन ने भी गिरने से पहले खुद को संभाल लिया। वधौन के मुंह खून निकलने लगा। वधौन खून को देख गुस्से मैं सर ऊपर कर चिल्ला के तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरे विला में खड़ा होके मुझ पर ही हाथ उठाया, कने में तुझे छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा। वधौन गुस्से में जैसे ही मारने के लिए आगे बढ़ा, उसी वक्त समय की कोल्ड वॉइस पूरे हॉल में गूंज उठी जो वधौन को गुस्से में बोल रहा था, अपना हाथ वहीं रोक ले वधौन, वरना तेरा हाथ तेरे शरीर से अलग होगा। उसकी आवाज सुन वधौन का जो हाथ उठा हुआ था वो हवा में ही रुक गया। समय तापसी को गोद से उतार साइड में बिठा के उसके बालों को सहला के खड़ा होके वधौन के सामने जाके अपनी गर्दन के पीछे हाथ फेर। कोल्ड वॉइस में इक्वल्स जबान और हाथ संभाल के रख वधौन बासु, वरना जबान और हाथ दोनों निकालने में मुझे एक पल नहीं लगेगा। तू जिसे मारने की बात कर रहा है वो तेरा नौकर नहीं, वो समय मल्होत्रा का साला है, और उसे भी पहले वो मेरा। समय बोलते बोलते रुक गया। समय की दहार सुन पूरी पार्टी में सन्नाटा हो गया। वधौन को किसी और ने नहीं राहुल ने पंच मारा है, जो कब से वधौन को वानी को दर्द देते देख रहा था। जब उसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने ने गुस्से में आके एक पंच वधौन को दे मारा। वानी को गिरने से भी राहुल ने बचाया। वानी इस वक्त राहुल की बाहों में थी। राहुल के सीने से लग फुट फुट के रो रही थी। राहुल वानी को संभाल रहा था। राहुल समय के मुंह से खुद के लिए साला सुन उसके चेहरे पर अपने आप स्माइल आ गई। वधौन समय को देख गुस्से में हाथों की मुट्ठी बना के बोला, इक्वल्स देखो समय मल्होत्रा, ये मेरा पर्सनल मैटर है, तुम इसे दूर रहो, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, और अपने इस साले को भी समझा दो मेरे मैटर से दूर रहे। समय वधौन और उसकी बातों को पूरी तरह इग्नोर कर अपनी गर्दन राइट लेफ्ट कर एरोगेंट आवाज में, इक्वल्स पर्सनल मैटर, उमम मुझे तो कहीं से भी नहीं लगता ये तेरा पर्सनल मैटर है,
ये अगर इतना ही पर्सनल मैटर था तो मिस्टर बाशु तुझे इसे कमरे में सोल करना था, ऐसे सबके सामने नहीं है। लड़की पर हाथ उठा के उसके कैरेक्टर पर उंगली उठा के तुम जो दिखाने की कोशिश कर रहे थे उसे तो मुझे कहीं से नहीं लगा कि ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है। समय वधौन के गोल चक्कर लगा के आगे बोला, इक्वल्स तूने जींस तरह सबके सामने एक लड़की के कैरेक्टर पर उंगली उठाई, उसे उसका तो नहीं, तूने तेरा कैरेक्टर जरूर दिखा दिया। जींस तरह तूने सबके सामने इस लड़की की इज्जत की धज्जिया उड़ाई, उसे उसकी तो नहीं लेकिन तेरी इज्जत की धज्जिया जरूरी निकली है। अपने सो कोल्ड प्यार को दिखा के तूने एक बात दिखा दी कि तुझ जैसा शरीफ बिजनेसमैन अपने प्यार को कैसे सबके सामने उतारिया है। वधौन उसकी सारी बात सुन गुस्से में चिल्ला के बोला, इक्वल्स अपनी लिमिट में रहो समय मल्होत्रा, ये मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड के बीच की बात है, मैंने जो भी कहा उसे कहा, तू होता कौन है बीच में आने वाला। समय अपना सर घुमा के राहुल के खरीवानी की ओर देख, इक्वल्स तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, उसमें से जो रास्ता चुनना है चुन लो, बाद में जो तुम्हारा फैसला होगा उस हिसाब से मैं फैसला लूंगा। पहला रास्ता इक्वल्स इस आदमी के पास जाना हो तो अभी चली जाओ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कोई तुम्हें रोकेगा नहीं और ना ही अगली बार बीच में आएगा। और दूसरा रास्ता जिसका हाथ अभी तुमने थामा है उसे थामने का, उस हाथ के साथ एक चीज की गारंटी है, तुम्हें इस पल से लेके आने वाले हर पल कोई दर्द नहीं होगा। अब फैसला तुम्हारा है, तुम्हें कौन सा रास्ता चाहिए, दर्द ठोकर से भरा या सुकून राहत भरा, फैसला तुम्हारा है। फैसला लेने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है, तुम्हारा टाइम शुरू होता है अब। समय की बात सुन वानी भीगी आंखों से वधौन को देखने लगी, वानी की आंखों के सामने वो सारे पल आ गए जो उसने वधौन के साथ बिताए थे। वधौन के साथ बिताए हर पल किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। वधौन ने जो कुछ भी उसके साथ किया था उसमें प्यार कम, गुस्सा दर्द अपमान ज्यादा था। वानी हर पल को याद कर सिहर उठी, उसने जितना दर्द वधौन के साथ रह के सहा था उसका 1% भी उसके माँ बाप के पास नहीं मिला। अब जाके वानी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि क्यों उसने वधौन जैसे लड़के से प्यार किया। वानी राहुल का हाथ छोड़ वधौन के पास जाके खड़ी हो गई। वधौप वानी को अपने पास देख उसके चेहरे पर जीत वाली इवल स्माइल आ गई, जैसे उसने समय को हरा दिया हो। इस वक्त समय के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, उसका चेहरा इमोशनलेस था। वही राहुल वानी को वधौन के सामने देख नजरें फेरी, लेकिन अगले ही पल वधौन की जीत वाली स्माइल कहीं गायब हो गई जब वानी ने अपने गले में पहना पैंडल निकाल वधौन के मुंह पर दे मारा। वानी के अचानक ऐसे पैंडल फेंकने से वधौन के चेहरे पर फिर से गुस्सा उभर आया, उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। अगर वानी ने यही हरकत कहीं और की होती तो अब तक वधौन उसे बुरी तरह मारता, लेकिन अभी उसका एक गलत कदम उसे सबसे सामने सही में गलत साबित कर सकता है जो वो है। वानी ने रोते हुए खींचकर वधौन को थप्पड़ मारा। वधौन जो पहले ही वानी के इस तरह पैंडल फेंकने से गुस्से में था, अब वानी के इस तरह थप्पड़ मारने से उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा गया। वानी वधौन को एक और थप्पड़ मार के रोते हुए बोली, तुम इस दुनिया के सबसे बुरे आदमी हो, तुम जैसे आदमी से प्यार कर मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। मेरे माँ बाप मुझे समझाते रहे, कहते रहे कि मैंने गलत लड़के को चुना है, वो सिर्फ तेरे शरीर से खेल रहा है, लेकिन मैं पागल तुम्हारे प्यार में इस कदर अंधी हो चुकी थी कि मुझे उनकी बातें गलत लगने लगी, लेकिन जब तुम्हारे साथ रहे के तुम्हारे वो रूप मेरे सामने आए तो मुझे उनकी हर बात याद आने लगी, उनकी हर बात सही थी और तुम गलत, तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया वो कोई किसी जानवर के साथ भी नहीं करता, तुमने मेरे साथ हर दिन जानवरों जैसा सुलूक किया, हर रात जबरदस्ती की, मेरे मना करने के बाद भी तुम अपने मन की करते रहे, जब तुम्हारा मन भर जाता तुम मुझ टिश्यू पेपर की तरह उठा के फेंक देते, जब तुम्हें मेरा काम होता तो तुम प्यार से बात करते, जब काम खत्म होता तो किसी कचरे की तरह उठा के कमरे से बाहर फेंक देते। हर रात में तुम्हारी खुशी के लिए खुद को 1000 गुना दर्द देती रही, लेकिन तुम्हें तो उसे कभी कोई फर्क
नहीं पड़ा जब तुम सेटिस्फाई होते मुझे उठा के दूसरे कमरे में फेंक आते ये बोल के कि तुम्हें अकेले सोने की आदत है। मुझे हर रात वो दर्द देके तुम तो सुकून से सो जाते थे लेकिन मैं हर रात रोती थी, दर्द में तड़पती थी, मेरी तड़प सुनने वाला भी मेरे पास कोई नहीं था। इस तुम्हारे महल जैसे घर में मेरी हालत यहाँ के नौकर से भी बुरी थी। उन नौकरों को भी मुझ पर तरस आता था, मेरी हालत देख उनकी आंखें भी नम हो जाती, लेकिन कभी तुम्हारी आंखों में नमी नहीं देखी। मेरे हर रात रोने तड़पने चिखने चिल्लाने से तुम्हें तो खुशी मिलती थी लेकिन उस खुशी से मुझे दर्द के अलावा कुछ नहीं मिला। तुम्ही नहीं, तुम्हारी वो संकी बहन जिसे तुम बच्ची बच्ची कहते हो, उसने भी मुझे किसी गंदगी की तरह ट्रीट किया। जब काम होता प्यार से बुलाती और काम पूरा होते ही बाहर निकाल फेंक देती। देसे तुम देसी तुम्हारी बहन, मैंने तुम दोनों का टोचर दर्द मार सब कुछ सहन किया लेकिन अब और नहीं, अब मुझसे और नहीं होगा। मुझ में और दर्द सहने की ताकत नहीं रही तुम्हारे साथ रहने से। अच्छा मैं अपनी जान देना पसंद करूंगी लेकिन तुम्हारे इस घर में कभी नहीं रहूंगी, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। वाणी बोलते बोलते घुटनों पर बैठ बिलख बिलख के रो पड़ी। आज उसके अंदर छुपा सालों का दर्द आंसू बन बाहर निकलने लगा। आज वाणी के सहन करने का बार टूट गया। वाणी को इस तरह रोते देख राहुल तेज कदमों से वाणी के पास आया। तापसी भी वाणी की बात सुन रो पड़ी। वो भाग कर समय के सिने से जा लगी। समय अभी भी इमोशनलेस खड़ा हुआ था, उसने तापसी को बाहों में समेट लिया। राहुल वाणी को इस तरह देख उसे बिना सोचे समझे अपने सिने से लगा लिया। वाणी भी राहुल के सिने से लग फुट फुट कर रो पड़ी। इस वक्त वाणी को किसी अपने की जरूरत थी जो उसे संभाल सके, जिसके पास उसे सुकून सेफ्टी और राहत मिल सके जो उसे राहुल की बाहों में मिल रही थी। आज जब उसका दर्द किसी को नहीं दिखा तो एक राहुल ही था जिसे उसका दर्द दिखा। उस दर्द का इलाज करने वो आगे आया। राहुल उसके दर्द को जड़ से खत्म करने का उसके सामने रास्ता बनाया। अब जब उसके सामने इस दलदल निकलने का रास्ता था तो उसने भी बिना कुछ सोचे उस रास्ते को चुन लिया। विधौन अपनी जलती आंखों से वाणी राहुल को घूरने लगा। साहिन गुस्से में चल के वाणी के पास आके बोली, यू ब्लडी बिच, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे भाई की बेइज्जती करो। जींस घर में रहती हो, जहां का खाती हो उसकी ही बेइज्जती कर रही हो। मेरे भाई ने तुम्हें क्या कुछ नहीं दिया, महंगे कपड़े, कॉस्मेटिक्स, लेटेस्ट कार, मोबाइल, वॉच, ऐसी हर चीज दी जिसके सपने लोग देखते हैं और तुम बिच मेरे भाई को छोड़ इस आदमी की बाहों में परी हो। सच कहती थी मेरी दोस्त, तुम जैसी सल्ट एक आदमी से कभी खुश नहीं हो सकती। तुम जैसी को घर पर लाना ही नहीं चाहिए, तुम्हें तो जस्ट साट आप। साहिन आगे कुछ बोल पाती उसे पहले किसी की कोल्ड आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। आवाज इतनी कोल्ड थी कि वहां मौजूद सभी लोग डर गए। आवाज किसी और की नहीं, समय की थी। समय की आवाज सुन साहिन खुद भी डर से कांप गई। समय गुस्से में साहिन को देख रहा था। इस वक्त उसकी आंखें पूरी लाल थी जैसे ब्लड हो। साहिन के साथ विधौन भी उसकी आंखें देख डर गया। विधौन ने अपना डर चेहरे पर आने नहीं दिया। तापसी अभी भी समय के सिने में लगी हुई थी जैसे कोई बिल्ली का बच्चा हो, वो समय के सिने से चिपकी हुई थी। अपने छोटे छोटे हाथों से समय की कमर को पकड़ने की नाकाम कोशिश कर रही थी। तापसी समय के आगे काफी छोटी है, उसका छोटा सा शरीर समय जैसे बॉडी बिल्डर के सामने किसी छोटे बच्चे जैसा है। समय की कोल्ड आवाज सुन तापसी भी एक पल के लिए कांप गई लेकिन वो समय से अलग नहीं हुई। उसने खुद को समय के और करीब कर लिया। इस वक्त अगर तापसी समय की आंखें देख लेती तो वो भी डर जाती। समय तापसी को एक हाथ से पकड़ साहिन को गुस्से में देख विधौन की ओर देख बोला, अपनी बहन की जबान बंद करवा दो वरना में बंद कराने पर आया तो शायद तुम्हारी बहन ही ना रहे। अब फैसला हो चुका है, इसने फैसला ले लिया, वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। अब तुम्हारा इसे कोई लेना देना नहीं रहा, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम इसे दूर रहो। अब इसके आगे मैं खड़ा हूँ, जब तक समय मल्होत्रा जिदा है तब तक तू तो क्या कोई भी इस तक पहुँच नहीं सकता। समय की कोल्ड आवाज सुन तापसी भी एक पल के लिए कांप गई लेकिन वो समय से अलग नहीं हुई। उसने खुद को समय के
और करीब कर लिया। इस वक्त अगर तापसी समय की आंखें देख लेती तो वो भी डर जाती। समय तापसी को एक हाथ से पकड़ साहिन को गुस्से में देख वधौन की ओर देख बोला, अपनी बहन की जबान बंद करवा दो वरना मैं बंद कराने पर आया तो शायद तुम्हारी बहन ही ना रहे। अब फैसला हो चुका है, इसने फैसला ले लिया, वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। अब तुम्हारा इसे कोई लेना देना नहीं रहा, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम इसे दूर रहो। अब इसके आगे मैं खड़ा हूँ, जब तक समय मल्होत्रा जिदा है तब तक तू तो क्या कोई भी इस तक पहुँच नहीं सकता। वधौन समय की बात सुन गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी बंद कर बोला, तू इस तरह मेरी गर्लफ्रेंड को मेरे खिलाफ नहीं भड़का सकते, ये मेरी है, ये यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, मैं इसे जाने नहीं दूंगा। वधौन इतना बोल वाणी का हाथ पकड़ लिया, आहवानी की दर्दनाक चीख निकल गई। वधौन ने एक बार फिर से वाणी का वही हाथ पकड़ था जींस पर उसे लगी है। राहुल ने एक झटके में वधौन से वाणी का हाथ छुड़ा के वाणी को अपने पीछे कर वधौन को एक बार फिर पंच मार दिया। राहुल के पंच पड़ते ही वधौन का चेहरा एक ओर झुक गया। इस बार वधौन ने भी गुस्से में राहुल पर हाथ उठा दिया, लेकिन वधौन का पंच राहुल को लगता उसे पहले समय ने बीच में ही उसका हाथ पकड़ उसे दूसरे हाथ से पंच दे मारा। इस बार का पंच पहले वाले दोनों पंच से काफी तेज और खतरनाक था। पंच पड़ते ही वधौन सीधा जमीन पर मुंह के बल गिरा। समय के पंच में इतनी ताकत थी कि वधौन का पूरा मुंह हिल गया, उसके एक साइड के गाल पर पंच का लाल काला निशान तक बन गया। समय के एक पंच से सारे गेस्ट के कदम अपने आप पीछे हो गए, यहाँ तक साहिन भी घबरा के चार कदम पीछे हो गई। उसने अपने दोनों हाथ मुंह पर रख लिए। तापसी खुद भी समय का ये रूप देख डर गई, उसके पैर भी कांपने लगे। वरुण जो कि अभी अभी बाहर से आ रहा था, उसने जब वधौन को जमीन पर गिरे देखा तो वो हैरान हो गया। सबसे ज्यादा शोकत वो समय को गुस्से में देख हुआ। जब ये सब शुरू हुआ तब से वरुण पार्टी में मौजूद नहीं था, उसे एक जरूरी कॉल आया था, उसे अटेंड करने वो बाहर गया था। वरुण तेज कदमों से समय के पास आके, यहाँ हो क्या रहा है, मैं थोड़ी देर बाहर क्या गया, यहाँ तो पूरी मूवी खत्म हो गई। उसकी आवाज सुन समय गुस्से में एक नजर उसे देख बकवास बंद कर और जाके वो गिफ्ट बॉक्स ले गया। समय उस गिफ्ट की बात कर रहा है जो वो पार्टी में आते वक्त लेके आया था, जो उसने साहिन को दिया था। गिफ्ट बॉक्स वही साइड टेबल पर बाकी गिफ्ट बॉक्स के साथ रखा हुआ था। वरुण समय की गुस्से वाली आंखें देख अपनी जान बचाने ने बिना कुछ बोले थोड़ी भी देर की ये बॉक्स लेके आ गया। समय बॉक्स लेके वधौन के पास पंजों पर बैठ बॉक्स उसके पास रख बोला, सो मिस्टर सो कोल ड्राइवर वधौन बासु कैसा लगा एक और बार मुझसे मुंह की खाके। इस बार की हार बिजनेस की हार से थोड़ी पर्सनल हो गई, लेकिन सच कहो ये सब मेरे प्लेन में नहीं था। मेरा प्लेन तो कुछ और ही था, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही ड्रामा देखने को मिला। लेकिन जो भी था आई लाइक इट। मैं तेरे लिए एक सरप्राइज लेके आया था, सोचा पार्टी के बीच में दूंगा, लेकिन यहाँ तो प्लेन ही कुछ और निकला। चलो कोई नहीं, तब नहीं तो अब सही। ये रहा तेरी सो कोल्ड जंगली बहन का बर्थडे गिफ्ट, जिसके कहने पर तूने मुझे यहाँ बुलाया। तुझे क्या लगा मुझे पता नहीं है कि क्यों तूने अपने सबसे बड़े दुश्मन को यहाँ बुलाया। समय मल्होत्रा नाम है मेरा, अंधेरे की दुनिया का बादशाह हूँ, आग नहीं पूरा ज्वालामुखी का लावा हूँ। मेरी नजर हर तरफ होती है, अपने दोस्त और दुश्मन के हर कदम पर नजर रहती है मेरी। तेरी पागल बेवकूफ बहन किस तरह मेरे पीछे पीछे ऑफिस तक आती थी, मुझे अनजानों की तरह बार बार गिफ्ट भिजवा दी थी, मुझे सब पता था। साहिन समय की इस बात को सुन हैरान हो गई। वधौन खुद हैरान था, उसे साहिन के समय का पीछा करने वाली बात और गिफ्ट वाली बात बिल्कुल पता नहीं थी। समय वधौन के हैरान चेहरे को देख इवल स्माइल कर आगे बोला, तुझे क्या लगा तू अपनी सन की बहन के लिए मेरे आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा, और तेरी सन की बहन मुझे फंसा लेगी, तो ये तेरी सबसे बड़ी बेवकूफी थी। समय मल्होत्रा को फंसाना कोई खेल नहीं है, तेरी बहन जैसी कितनी ही लड़कियां आई और गई, गई मतलब इस दुनिया से गई, लेकिन किसी में वो बात नहीं थी जो समय को अपने घुटनों पर झुका सके सिवाय मेरी बटरफ्लाई के।
बटरफ्लाई बोल समय तिरछी नजरों से तापसी को देख स्माइल कर आगे बोला, मेरी बटरफ्लाई जैसी आग किसी और लड़की में नहीं है जो वैसेम के अंदर की आग को संभाल सके। एक मौका देके देखो समय में प्रोमिश करती हूँ, तुम्हें पछतावा नहीं होगा, साहिन समय को देख आगे आके कहा। समय साहिन की बात सुन उसे घिन भरी नजर से देख गंदी चीज को छूने का शौक एसएम को नहीं है, मेरे पास मेरी बटरफ्लाई है। चल ये सब छोड़, पहले अपने भाई को बोल मेरा लाया हुआ गिफ्ट बॉक्स खोले, उसमें तुम्हारे प्यारे भाई के लिए एक और सरप्राइज है। वधौन उसके मुंह से सरप्राइज सुन अंदर ही अंदर डर गया, उसकी नजरें रेड कलर के बॉक्स पर टिक गई। उसके हाथ उस बॉक्स को छूने के लिए भी मना कर रहे थे। समय उसकी नजरें और कैपते हाथ देख इवल स्माइल कर बोला, रिलैक्स बासु, रिलैक्स, बॉक्स में कोई बम नहीं है, उसमें सिर्फ एक पेपर है जो तुम्हारे लिए मेरा गिफ्ट है, और वो क्या है वो मैं बिना बॉक्स खोले ही बता देता हूँ। उसमें तुम्हारे मुंबई के बिजनेस के पेपर है जो अब मेरे नाम हो चुके हैं। वधौन उसके मुंह से सरप्राइज सुन अंदर ही अंदर डर गया, उसकी नजरें रेड कलर के बॉक्स पर टिक गई। उसके हाथ उस बॉक्स को छूने के लिए भी मना कर रहे थे। समय उसकी नजरें और कैपते हाथ देख इवल स्माइल कर बोला, रिलैक्स बासु, रिलैक्स, बॉक्स में कोई बम नहीं है, उसमें सिर्फ एक पेपर है जो तुम्हारे लिए मेरा गिफ्ट है, और वो क्या है वो मैं बिना बॉक्स खोले ही बता देता हूँ। उसमें तुम्हारे मुंबई के बिजनेस के पेपर है जो अब मेरे नाम हो चुके हैं। वोट वधौन मुंबई बिजनेस का नाम सुन सोकद होके, तो तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने अपना कोई बिजनेस नहीं बेचा। समय एरोगेंट वॉइस में, मैंने कब कहा कि तुमने अपना बिजनेस बेचा है, मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि वो अब मेरा हो चुका है, उसका सीईओ अब समय मल्होत्रा है। वधौन खड़ा होके, कैसे तूने ये सब कैसे किया, तूने तो कभी इंडिया में कदम नहीं रखा, तो फिर मेरा बिजनेस तेरे नाम कैसे हुआ। समय तापसी के बालों से खेलते हुए बोला, इतना सब बोलने का मेरे पास वक्त नहीं है, मेरा बच्चा भी थक चुका है, इसलिए जो पूछना है अपने मुंबई वाले मैनेजर को पूछ ले, फिलहाल के लिए मेरी एक बात कान खोल के सुन ले, अपनी बहन को जिंदा देखना चाहता है तो मुझसे दूर रख, वरना एसएम दूसरा मौका किसी को नहीं देता। जो मेरे और मेरे बच्चे के बीच आने की कोशिश करेगा उसकी एक ही सजा होगी, वो है मौत। अगर मैं अपने बच्चे पर नजर डालने वाले की जान निकाल सकता हूँ तो यही चीज खुद पर लागू कर सकता हूँ। देसे मेरे अलावा कोई मेरी बटरफ्लाई के करीब नहीं जा सकता, वैसे ही मेरे करीब भी मेरे बच्चे के अलावा कोया नहीं आ सकता, जो आने की कोशिश करेगा उसकी मौत भी उसे बतर होगी। और समय मल्होत्रा की दी हुई मौत किसी जानू में मिलने वाली सजा से कम नहीं होती, ये बात तू भी जानता है और यहाँ मौजूद हर शख्स भी, इसलिए मेरी बात को लाइटली लेने की गलती मत करना। समय की ऐसी बात सुन तापसी अंदर तक सिहर उठी, इस वक्त उसे समय किसी साइको की तरह लग रहा था। समय इतना बोल तापसी को लेके वहां से चला गया, उसके पीछे राहुल वानी को गोद में उठा के वधौन के सामने से निकल गया। वरुण भी वधौन को फुल एटीट्यूड दिखा के बाहर जाते हुए वधौन साहिन की ओर बेइज्जती कर बोला, तूने ऐसा सोचा भी कैसे कि तेरी ये चुड़ैल मेकअप की दुकान बहन मेरे यार के लिए लायक है, वो कहा और तेरी बहन कहा, वैसे ये हमारी क्यूटी के नाखून बराबर भी नहीं है, मेरे यार के लिए सिर्फ एक लड़की बनी है और वो है क्यूटी पाई, उसके सामने तेरी बेटी जैसी लाखों लड़कियां भी उसे सिड्यूस नहीं कर सकती, अगली बार ऐसी घटिया पार्टी में बुलाने से पहले ये बेइज्जती और लॉस दोनों याद कर लेना। वैसे लॉस प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों हुए है, सो सेड बिजनेस भी गया और लड़की भी चू, वेरी वेरी सेड। वरुण इतना अफसोस जताने का नाटक कर बालों में हाथ फेर वहां से चला गया। वधौन साहिन गुस्से में हाथों की मुट्ठी या कस बेइज्जती का घुट पिके रह गए। समय की कार में तापसी इस वक्त समय की गोद में बेदी हुई थी, तापसी ने पहनी हुई ड्रेस उसके शरीर से अलग हो चुकी थी। इस वक्त तापसी समय की गोद में सिर्फ दो कपड़ों में थी, उसके दोनों गाल लाल हो चुके थे। समय ने भी अपना कोट सट निकाल दिया था, इस वक्त वो हाफ नेक्ड था। समय की मस्क्यूलर बॉडी तापसी के सीने से टच हो रही थी, समय के हाथ तापसी के शरीर पर चलने लगे। समय ने तापसी को खुद से चिपका के रखा था।
तापसी समय की छुअन से ना चाहते हुए भी मोड़ करने लगी। उसकी आहें पूरे कार में गूंज रही थी। आगे बैठे राघव वरुण भी वो आवाजें सुन सकते थे। दोनों के सर पर पसीने की बूंदे आ गई थी। ऐसे तो कार में पार्टीशन लगा हुआ था, फिर भी आवाजें पूरी कार में सुना दे रही थी। समय वैसा तो कुछ नहीं कर रहा था, वो तो सिर्फ तापसी के सिने पर चेहरा छुपा के उसकी कमर पर हाथ लिपटा के बंद कर बैठा हुआ था। फिर भी तापसी की आहें निकल रही थी। समय की गम सांसें अपने वहां पर फिलकर उसका शरीर गम होने लगा। उसके शरीर में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। समय उसके सिने पर चेहरा छुपा के बैठा ही नहीं था, वो बिच बिच में वहां किस बाइट सक भी कर रहा था। समय के सक करने से तापसी के हाथ अपने आप समय के बालों में चलने लगे। वो समय के बालों को कभी सहलाती तो कभी खींचती। समय उसके हाथों की मूवमेंट से उसे और बुरी तरह सकता। वो तापसी को और मौन करने पर मजबूर कर रहा था। जिसे तापसी की आहे के साथ बिच बिच में चिख भी निकल जाती। राघव बेचारा कार चलाते हुए उस आवाज को बर्दाश्त करने की नाकाम कोशिश करने लगा। उसने खुद से कहा, बोस आप विला पहुंचने तक सबर नहीं कर सकते थे, थोड़ा सबर कर लो वरना मैं कार से कूद जाऊंगा। वरुण अपने दोनों हाथ कान पर रख उस आवाज से खुद का ध्यान दायवत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब उसे नहीं हुआ तो उसने कार में लगा म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया। म्यूजिक सिस्टम ऑन करते ही एक गाना प्ले हुआ जो सुन वहां का माहौल और एंटेंस हो गया। गाना समय तापसी की सिचुएशन पर बिल्कुल फिट हो रहा था। गाना सुन राघव गुस्से में वरुण को घूरने लगा। वरुण खुद गाना सुन अपना गला सूखा हुआ महसूस कर रहा था। उसने तुरंत गाना बंद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन वो गाना बंद कर पाता उसे पहले समय की कोल्ड वॉइस उसके कानों पर गई जो गाने का वॉल्यूम फास्ट करने को बोल रहा था। अब दोनों बिचारों की हालत ऐसी थी जैसे किसी ने उन पर ठंडे पानी की बाल्टी डाल दी हो। एक और वो आवाजें थी और अब ये गाना जिसे वो बंद करना चाहते हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी उनको गाने का वॉल्यूम फुल करना पड़ा। राघव को इस वक्त वरुण पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन कर रहा था वो वरुण को उठा के कार से बाहर फेंक दे। राघव मन ही मन वरुण को कोस रहा था, किस बेवकूफ ने उसे म्यूजिक चलाने को कहा था, चलाया तो चलाया, गाना भी यही निकलना था। अब उसमें बेचारे वरुण की भी क्या गलती थी, उसने तो उस आवाज से बचने के लिए म्यूजिक सिस्टम ऑन किया था। अब उसे कहा पता था कि ये सब हो जाएगा, वो बेचारा खुद वहां फंसा हुआ था। दोनों के चेहरे के एक्सप्रेशन इस वक्त देखने जैसे थे। दोनों वहां से कहीं दूर भागना चाहते था, लेकिन वो भाग भी नहीं सकते थे। दोनों का मन बुरी तरह रोने का कर रहा था, लेकिन वो रो भी नहीं सकते था, ना ही म्यूजिक बंद कर सकते हैं। ऊपर से उनका विला भी अभी दूर था। उसी वक्त समय की आवाज फिर से आई जो कह रहा था, कार की स्पीड कम करो और कार किसी खुली जगह पर ले चलो। समय की आवाज सुनते ही राघव ने कार दूसरी ओर घुमा ली। रोमांस कल मिलेगा, आज के लिए इतना ही। कल समय का वायलेट रोमांस देखने को मिलेगा और वरुण राघव की लाइफ में होगी दो तूफान की एंट्री। वधौन इस बेइज्जती का बदला कैसे लेगा और साहिन का पागलपन समय तापसी की जिंदगी में तूफान लाएगा या नहीं, वो तो आगे ही पता चलेगा। म्यूजिक कटरा कटरा सॉन्ग। इस तरह से खुद से आ मुझको जोड़ तू, थोड़ा भी मुझ में ना मुझको छोड़ तू, ना याद तेरी तुझको ना याद मुझे हूँ मैं, आ मुझको पहन ले तू, आ तुझको ओढ़ लूँ मैं, कतरा कतरा मैं गिरू जिस्म पे तेरे ठहरूं, कतरा कतरा मैं गिरू तुझ में ही कहीं रह लूं। गाना सुन तापसी अपनी झील सी आंखों से समय को देखने लगी जो उसे घर ले जाने के बजाय कहीं और ले जा रहा है। समय अपनी मासूम खरगोश की आंखों में देख, मेरी मासूम खरगोशनी ऐसे क्यों देख रही हो, मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूँगा, मेरा मन कार में रोमांस करने का कर रहा है जैसे थोड़ी देर पहले किया था, बिल्कुल वैसे। रूम में तो हर रोज करेगे ही, लेकिन कार में भी कभी कभी करेगे और आज कार में करेगे। कार में मेरी शैतान खरगोश मुझसे दूर नहीं जा पाएगी और ना ही मैं अपनी खरगोशनी को जाने दूंगा। कतरा कतरा मैं गिरू जिस्म पे तेरे ठहरू, कतरा कतरा मैं गिरू तुझ में ही कहीं रह लू,
तापसी समय की ऐसी बात सुन हैरान सी आंखें और भरी कर समय को देखने लगी। समय उसकी झील सी आंखों को बारी बारी चुम झुक के उसके कोलबोन पर तंग, फिर मदहोसी भरी आवाज में, तेरी इस झील सी नीली आंखों में खुद का अक्ष देखना पसंद है मुझे। जब जब तेरे करीब आ तू मुझे खुद में संभाले, यही आदत बनाना चाहता हूँ तुम्हें। तुम्हारे गुलाबी होठों का नशा ऐसा चरा है मुझ पे, तुम्हें दुनिया से छुपा के रखना चाहता हूँ। प्यार का तो पता नहीं मुझे, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि तुम मेरी तलब बन चुकी हो। जुनून की जीन्स हद को दुनिया ने देखा नहीं, उसे जुनून से भी परे तुम मेरी सनक बन चुकी हो जान। समय की ऐसी अजीबोगरीब बातें हमारी तापसी के सर के ऊपर से गई, उसे कुछ भी समझ नहीं आया। इस वक्त वो कसके आंखें बंद समय के कंधे को पकड़ आहे भर रही थी। समय अपनी गमर तन उसके गले से कोलबोन तक फेरने लगा। सोंग दरिया तू खाली कर दे, मुझ में सारा तू भर दे, तुझको आ मैं पी जाऊं प्यास बुझा दूं। समय देसे देसे उसके गले में अपनी तंग जीभ फेरता, तापसी की पकड़ उसके कंधे पर और कस जाती। इस वक्त तापसी के शरीर पर सिफ़े अंदर के कपड़े थे और समय ने भी सिफ़े नीचे पैंट पहनी थी। दोनों की ऊपर की बोदी पूरी तरह एक दूसरे से चिपकी हुई थी। लाना कुछ बादल लाना उनको मुझ पर बरसाना, बूंदे तेरी हो जिनमें उनसे भीगा दो। राघव जल्दी से कार समुद्र के पास लाके खड़ी कर दी और बिना कुछ बोले कार से उतर गया। उसके पीछे वरुण भी उतर गया मानव के बोधिगादर की कार। समय की कार से कुछ दूरी पर रुकी, वरुण ने सबको पहले वहीं रुकने को बता दिया था। राघव वरुण समय की से दूर दूसरी कार के पास चले गए। कार में समय तापसी को सीट पर लेता के खुद उसके ऊपर आ गया। समय ने पहले ही सीट को सेट कर दिया था। ना याद तेरी तुझको ना याद मुझे हूँ मैं, आ मुझको पहन ले तू आ तुझको ओढ़ लूँ मैं। तापसी समय को देख काफी शर्मा रही थी, उसे कुछ देर पहले जो पार्टी के बाहर हुआ वो सब याद आने लगा। कैसे समय ने उसे बिच पार्टी में भी परेशान किया था, वो सब सोच तापसी के गाल और भी लाल हो गए। समय तापसी के गालों पर अपनी टंग फिर उसे लिख कर बटरफ्लाई यू आर ओनली एंड ओनली माई एंड आई एम ओनली योर, कतरा कतरा मैं गिरू जिस्म पे तेरे ठहरू, कतरा कतरा मैं गिरू तुझ में ही कहीं रह लू। समय तापसी को पलट उसकी बेक पर होठ रख उसे लव बाइट करने लगा। तापसी कसके आंखें बंद कर सिट को स्क्रैच करने लगी, उसकी आहें सोंग में घुलने लगी। समय के कानों में म्यूजिक के साथ तापसी का कराहने की आवाज उसे और वाइल्ड होने पर मजबूर करने लगी। समय किसी बिस्ट की तरह तापसी की पीठ पर बाइट करने लगा। तापसी को समय के इस तरह काटने से दर्द हो रहा था, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो समय को रोक सके। उसे समय से डर लग रहा था। समय ने उसकी पूरी पीठ को लव यू बाइट से भर दी। जहां जहां उसने बाइट की थी वहां वहां अपनी टंग फेर उसे लिख करने लगा। जी से तापसी की चिखे कराह में बदल गई, अब उसे थोड़ी राहत मिल रही थी। जहां कुछ पल पहले उसकी दर्द से बुरी हालत हो रही थी वहीं अब थोड़ा सुकून था। समय उसकी पीठ पर लिख करते हुए मदहोसी भरी आवाज में, दर्द मेरा दिया हुआ होगा तो उस पर महरम भी मैं ही लगाऊंगा जान, डोंट वरी, दर्द के साथ राहत भी मिलेगी। इतना बोल समय ने तापसी को फिर से अपनी ओर पलट लिया। तापसी का पूरा चेहरा लाल टमाटर जेहा हो चुका था, सब से ज्यादा उसके होठ लाल थे। समय उसके होठ को फिर से अपने होठों से लोक कर उसे फुल वाइल्डली चूमने लगा। तापसी भी इस बार उसका साथ दे रही थी। तो आगे क्या होने वाला है, आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर शेयर करें। सो अभी कहानी जारी रहेगी, सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।